अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जिसमें एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं तो दूसरी तरफ हैं जो बाइडेन। लेकिन जैसे जैसे इसकी तारीख पास आ रही है वैसे वैसे ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। बाइडेन के सामने है डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त प्रचार करने के अलावा कोर्ट के कटघरे तक पहुंच गए हैं। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई पूर्व राष्ट्रपति आपराधिक मामले का सामना कर रहा हो, और ये रिकॉर्ड भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही बनाया है जिन पर एक मुकदमा सोमवार से शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जो कि दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए ये मुकदमा एक नई मुसीबत बनकर सामने आया है। ट्रंप की कल कोर्ट में पेशी हुई और अब उन्हें इस मुकदमे के लिए हफ्ते में 4 दिन पेश होना होगा। ट्रंप पर व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेरा फेरी करने के 34 आरोप हैं। ट्रंप ने इस केस को पूरी तरह फर्जी बताया है। ट्रंप पर चल रहा ये मामला साल 2016 का है, जब ट्रंप के पॉर्न स्टार के साथ संबंध होने की बातें सामने आई थी और आरोप है कि उन्होंने इसको छिपाने के लिए ट्रंप ने उस पॉर्न स्टार को $130,000 का भुगतान किया था। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने व्यापार संबंधी दस्तावेजों में गड़बड़ी करके एडल स्टार को पैसे दिए थे और इसे रिकॉर्ड्स में कानूनी खर्चे के तौर पर दिखाया था। अगर ट्रंप इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 4 साल की सजा हो सकती है। ट्रंप पर यह मुकदमा ऐसे समय आगे बढ़ रहा है जब ट्रंप इस साल राष्ट्रपति चुनाव के रिपब्लिकन टिकट के लिए संभावित उम्मीदवार भी हैं। इस केस में ट्रंप जब कल पेश हुए तो उन्होंने मामले की सुनवाई कर रहे जज पर ही पक्षपात के आरोप लगा दिए। ट्रंप ने इस मामले में उस महिला के साथ किसी भी तरह के संबंधों से इनकार किया है और साथ ही इस मामले में अपने आप को पूरी तरह निर्दोष बताया है। इस केस के बीच सवाल ये बना हुआ है कि क्या मुकदमा चलने के बाद भी ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे, तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। अमेरिकी कानून के मुताबिक मुकदमा होने और दोषी साबित होने के बाद भी न सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं बल्कि राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी होने में सिर्फ जन्मस्थान, उम्र और अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है। ऐसे में अगर ट्रंप को जेल भी होती है तो वो तब भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन प्रचार के इस दौर में हफ्ते के 4 दिन कोर्ट में पेश होना ट्रंप को खल सकता है, जो कि उनके कैंपेन पर बड़ा असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।